सुल्तानगंज थाना पुलिस ने डीएसपी डॉक्टर गौरव के निर्देश पर थाना अध्यक्ष लाल बहादुर के नेतृत्व में आलू व्यवसायी हत्याकांड के मुख्य आरोपी को सब्जी मंडी बाजार से गिरफ्तार किया। इस मामले में डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि दो जिंदा कारतूस के साथ सब्जी मंडी बाजार से फुटुस चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही गिरफ्तार करने वाले पुलिसकर्मी को सम्मानित किया जाएगा। वहीं गिरफ्तार युवक को आवश्यक कानूनी कार्यवाही करते हुए न्याय हिरासत में जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। इस छापेमारी अभियान में स्थानीय थाने के कई पुलिसकर्मी शामिल थे। अतुल भारती, सुल्तानगंज, R9 भारत। सुल्तानगंज में एक कांड दर्ज हुआ था, 164-21। ये मर्डर केस था। गौतम चंद्रा चौधरी को इन्होंने 2 बजे जो है शूट किया था और उनकी इस क्रम में मृत्यु हो गई थी। ये अप्राथमिक अभियुक्त बने थे और इन्होंने कन्फेस भी किया है अभी कि कैसे कैसे इन्होंने आर्म्स जो है लिया और शूट किया था, और उस घटनाक्रम के बाद ये फरार हो गया। और दूसरा जो कांड संख्या इनके ऊपर रंगदारी का लगा, इन्होंने मेडिकल शॉप जय सूर्या मेडिकल जो है दिनकर मंडल, उनसे 20 लाख का रंगदारी इन्होंने डिमांड किया था उस घटना। तो 9-10-2021 को कांड संख्या 224-21 इनके ऊपर दर्ज किया गया था रंगदारी का। और उस घटनाक्रम के बाद, उस कांड केस दर्ज होने के बाद, इन्होंने दोबारा रंगदारी का केस इनके ऊपर 13-2-22 को दर्ज किया गया। 37-22 कांड संख्या है। इन्होंने लोकेश यादव और सोनू शाह, इन दोनों से, इनके थ्रू रंगदारी लेने की कोशिश की। एक फुटकर विक्रेता हैं, उनसे लेने की कोशिश की गई और उसमें शूटिंग भी हुआ। तो लोकेश यादव और सोनू शाह को पुलिस ने गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, और आज गुप्त सूचना वरीय को दिया गया और वो सुल्तानगंज पुलिस को दिया, और त्वरित कार्रवाई करते हुए सुल्तानगंज पुलिस ने 1 कट्टे के साथ और 2 जिंदा कारतूस फुटुस चौधरी को उर्फ रवि चौधरी को 9 बजे के आसपास इनको गिरफ्तार कर लिया गया। सर, फुटुस चौधरी की गिरफ्तारी से कितने मामले में ये अभियुक्त था और कितना सफलता है, कितनी बड़ी सफलता सुल्तानगंज थाना पुलिस? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि 3 कांड इनके ऊपर पहले से दर्ज हो चुका था और गंभीर कांड दर्ज किया गया था, मर्डर का कांड, और 2 जैसे आप मैंने बताया कि 2 कांड इनके ऊपर रंगदारी का दर्ज किया गया था, और कहीं ना कहीं ये एक छोटा सा ये गैंग बनाने की कोशिश कर रहे थे सुल्तानगंज में। तो इनकी गिरफ्तारी जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी गिरफ्तारी बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ, जैसे कि आप मैंने बताया कि लोकेश यादव और सोनू शाह इसके गैंग में जो है शामिल हो रहे थे, उनको भी त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इनको भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो ये और आज भी ये आर्म्स के साथ पकड़े गए हैं, तो एक और इनके ऊपर जो है कांड दर्ज किया गया है। तो ये शातिर अपराधी था जी, आतंक इसको समझा। जो भी प्रशस्ति पत्र है इसकी अनुशंसा किया जाएगा, इसमें बहुत पत्र के लिए। जी जी, और ये बहुत जो भी इस टीम में शामिल थे, कौन कौन थे? एक हमारे 2 नए PSI हैं और एक इंस्पेक्टर है हमारे, इंस्पेक्टर सुल्तानगंज जी जी, और 2 जो है हमारे PSI हैं, इन्होंने एक का नाम है विनोद और अभय कुमार।